जिले के प्राथमिक विद्यालयों में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बुलंदशहर आर्निया ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नगला खेड़ा व पहाड़पुर और अधिकतर स्कूलों में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं ने बच्चों को सिखाया योग पाठ और बताया कि योग करने से शरीर रहता है स्वस्थ व निरोग। फिर जाओ पीछे को, फिर आओ आगे को। कमर सीधी एकदम सीधा बैठो एकदम। कमर फिर से करेंगे, नीचे झुकेंगे और अपने हाथों को कंधे पे लगा लो। अब सीधे हो जाओ, वेरी गुड। ऐसे ऐसे ये सामने पंजे हो लीजिए, ये वाले किधर आ गए? नहीं मैंने तो ये वाले ऐसे हिलाओ, जैसे हिला रहे हो जल्दी। अब ऐसे हिलाओ, चलो सर क्या नाम है? गुरुवेंद्र सिंह है। कौन से स्कूल में हो? प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर। अच्छा सर, योगा आज दिवस है, उसमें बच्चों को क्या सीख मिलेगी? देखिए, योग करने से बच्चों को एक तो इनमें जो तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं बच्चों में कम उम्र में, एक तो उससे काफ़ी फायदा मिलेगा योग करने से। हार्ट अटैक की तरह तरह की बीमारियाँ चल रही हैं तो वो दूर होंगी और बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी दूर होगा इनका, बच्चों का करने की आदत पड़ेगी ताकि बीमारियों से बच सकें। शरीर भी इनका स्वस्थ रहेगा, मानसिक विकास भी होगा बच्चों का इससे। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम गीतिका शर्मा है, मैं प्राथमिक विद्यालय नगला खेड़ा में सहायक अध्यापिका हूँ। आज हमने योगा दिवस के रूप में 21 जून को मनाया है और बच्चों को बताया है कि 21 जून प्रत्येक वर्ष योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है और योगा के बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत बताया है कि योगा किस प्रकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। उससे बच्चों में जो स्फूर्ति आती है, जो लचीलापन आता है, वो उसके बारे में बच्चों को बताया है। हमने बताया है कि योगा से बच्चों को बीमारियों से किस प्रकार दूर रहा जा सकता है और योग करना रोज़ नियमपूर्वक शरीर के लिए कितना आवश्यक है। इससे बच्चों में जो उत्साहवर्धन होता है वो एक अलग चीज़ है, साथ ही साथ बच्चों में रोचकता बनी रहती है और इससे बच्चों का शरीर में जो लचीलापन आता है इससे उनका पूरा दिन उत्साहवर्धन।